ये जनाब आज हम लेके आए हैं हीटर। ना ये कौन है सुबह सुबह शुरू कर रहा है? जी सोनी करता। अस्सलाम वालेकुम, नई उम्मीदों के साथ नई सुबह के साथ आपकी बहन हीटर अख्तर हाजिर है। जनाब अम्मी भी उठ गई हैं। ये जनाब देखिए अभी सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं, तो अम्मी ने कहा दूध नहीं दें, मुझे नाश्ता दें, मुझे भूख लगी है, फिर अम्मी के लिए बनाऊंगी नाश्ता। बच्चों ने भी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उनके लिए बनाऊंगी। तो सीधा डायरेक्ट किचन में। मम्मा हाँ, ये ले मोबाइल को दे यार। कोई मोबाइल शबाइल नहीं हारिम, आराम करो, सो जाओ। ये सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठे हो? नमाज पढ़नी है आपने फजर की। ये लेना। किचन में जा रही हूँ। अल्लाह फेस। ये लेना मैं। जनाब आ गया मेरा नाश्ता, चलिए करती हूँ नाश्ता, फिर आपसे करती हूँ बात। अच्छी लगती है ना? कौन अच्छी लगती है? प्यारी नसीम। तो आप तंग करते हो ना उनको? नहीं, इंशाल्लाह तंग नहीं करूँगा। इंशाल्लाह तंग नहीं करोगे? नहीं। क्या कर रही है नसीम? वो तो तलावत सुन रही है, मैं भी सुनूंगा जाके। तलावत सुनोगे? जी नसीम तलावत सुनने से अच्छा मैं लेके जाती हूँ। आ जा। देखिए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सुबह खैर। किसके पास आ गए? नसीम के पास। हाँ तो मैं भी तलावत सुनूंगा नसीम के साथ। नसीम और मेरे पांडे प्यारी नसीम है। वो तो बैठी कल ऐसे सुनने बैठा ऐसे मगर जैसा कर रहा है था नसीम डर को किड़ा कर रहा जाए करो थोड़ा रो ना। ये जनाब देखे यहाँ पेटियों के नीचे जो जगह होती है वो कितनी गंदी हो गई चीजें, और मैंने कहा डीपली हर जगह की सफाई करूँ। तो वहाँ की सफाई कर ली है मैंने, बर्तन वगैरह धो लिए हैं, और बस ये पेटियाँ थालियाँ वगैरह वैसे साथ साथ धुलती रहती हैं, लेकिन इनको भी साफ करके वापस रखूँगी। टाइलों पे मैंने पेटियाँ रखी थी, तो जनाब ये पेटियाँ साफ कर ली हैं मैंने, ये जगह साफ़ की। अब ये जगह खुशक होने का थालियाँ वगैरह ये सारे साफ करके मैंने छोड़े, ये भी टाइलें भी धोई हैं मैंने, ये भी खुशक होंगी फिर यहाँ पर रखूँगी। अभी जगह फर्श सही तरह खुशक नहीं हुआ। हाँ तो आपकी जगह पे पेटियां रखती हैं माइलो? हाँ उसे से क्यों देख रहे हो? भूख लगी तो रो। अब तो बेटे के लिए अपने बेटे के ना नमिता भी के ओरियो भी के ओरियो और सुबह वाले बिस्किट और बोतल वाले है बिस्किट। दुकान ना ले हम पूरी उठा के। क्या दुकान ले आप पूरी उठा के? मामा जो लेके आएंगी। मैं जा रहे हैं हीटर देखने, गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए। एक सेकंड ताला उतार जाओ, आधी क्या पता चला जाए। गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए, और जनाब करेंगे कुछ सौदा लेना है, प्याज टमाटर वगैरह घर नहीं है तो वो सौदा भी लेंगे और हीटर भी लेंगे। ये देखें आगे मेरी जा रही है यहाँ पर दो परियाँ, मेरी नन्नी मुन्नी परियाँ जा रही हैं। शुशु भी याद है कल इसके साथ नहीं ये जरा नहीं याद रह रहा था कि मैंने वीडियो बना रही हूँ। वो बातें करती हूँ ना मैं मोबाइल वाली, मुद्दे ज़्यादा है ना उसको हाफ ऑफ करके रखती हूँ। सारी कॉलिंग नहीं आज ही नहीं पका लेंगे। हाँ दूसरा वाला काम पर है वो कद्दू है, वो कद्दू ले लूँ, वो वैसे मज़े के होते दूध में पकाओ, मज़े के भी लगेंगे नाना को। वो वाले दे दे किलो दे दे।
मेरे पे तू सिर्फ ना लगा के रखो ना। ये सब्जी 800 रुपए की। ज़्यादा डाल दे, खैर है। डेढ़ किलो का सेल लगे ना, आधी किलो का तो सेल नहीं होते ना। बल्कि यहाँ से चूल्हा भी लिया था और अवन भी यहीं से लिया था। बेटा मैं ये कैमरा मैन आप बनाए रखती, चार्ज करूंगी अब इसका। इतनी बातें सुन के वो मैंने करना है ना, अब इतनी बातें सुनने पर भी उस पर तवज्जो ना दूं। ये कुछ करती है आधी रात को इसने सूप बनाया और इन इन दोनों ने मैडमों ने सूप नहीं पिया। ओह मेरी सॉक्स ही उतर गई है। हाँ एक सॉक्स शूज में रहेगी। आ जाए अंदर। अस्सलामुअलैकुम। नहीं जूस नहीं मिला। नहीं जूस तो नहीं मिला। हाँ ना चला रहा देखे कर मूंगफली नहीं ना। मूंगफली लाई हो ना अपने बेटे के लिए। नहीं हीटर लेके आई हूँ, मेरा बेटा हीटर के आगे बैठेगा। नहीं गुड़ वाले दाने आपको लेकर आई। ये क्या है? मैंगो जूस। खुश जूस होके दे नानी। हाँ जूस लेके आई थी, मैंने कहा मेरे बच्चा ने जूस मांगे थे। चलो बाकी ग्लास ला के दो हारिम को, हारिम जूस पिएगा। नोबिता तो मैंने उससे ला के रखे हुए, वही एक दे देती हूँ। वैसे ये जूस करना ज़्यादा खुश होकर पींदा। ये जी नोबिता भी ये लो जूस नोबिता। चलो मैं बुरखा उतार दूँ। ये जनाब आज हम लेके आए हैं हीटर। मेरी बहुत सी प्यारी सी अजीज़ ने पैसे भेजे थे तो मैंने कहा पैसे लग जाने हैं, कुछ तो सौदा ले आई हूँ, कुछ ले आई हूँ हीटर। मैंने कहा अम्मी तजद पड़ती हैं और तब बहुत सर्दी होती है 3-4 बजे, तो दूसरे तीसरे दिन सर्दी बहुत है, तो मैंने कहा पैसे लग जाने तो अम्मी के लिए हीटर ले जाती हूँ। तो एक कमरे में हीटर चलेगा, अम्मी भी नमाज वगैरह पढ़ने में। जिसने हमारी मदद की अल्लाह इजाद उनको बहुत दे, बहुत ज्यादा दे, लोगों की मदद कर सके। हीटर क्यों जलाया? हीटर से ज्यादा आपको ठंड लगती है ना, इसलिए। क्यों ठंड लगती? चावल आए हैं, किसी ने डाला है लंटर और हम सब के लिए भेजे हैं चावल। गर्म करके लाई, गर्म करके लाती ना। अल्लाह का भला करे। सही है ना, नॉर्मल में जाए गर्म करके रख के ले। इतने चावल हैं कि हम सब रात को खा लेंगे थोड़े थोड़े और रात गुजर जाएगी। ये जना देखें पेटियां वगैरह मैंने साफ करके रखी हैं, कितनी साफ सुथरी रखनी है। तो बाकी आदि साहब बना रहे थे चाय। और ये देखें ये जनाब छो दफा आपको कहा है माइलो ना चढ़ा कर ऊपर। किकी मैडम नहीं वो वहां बैठी रहती है, ऊपर चढ़ती नहीं है। तो ये जो है ना ये पता नहीं इसको क्या ऊपर शर्फों पर चढ़ के मजा आता है। वो बेचारी मेरी शरीफ सी लड़की मासूम सी जरा उल्टे काम नहीं करती। लड़कियां होती हैं मासूम अच्छी। आदि साहब चाय बना रहे हैं, कुछ चाय बना के देते हैं।
बन गई है चाय। वैसे चाय का कोई प्रोग्राम नहीं था, अब्दुल्ला बना रहे थे, मैंने कहा चलें सबके लिए बना लेते हैं। जनाब हो गई है रात, नमाज पढ़ ली है, क्लास ले ली है और बस अभी सोने लगे हैं। हारम को भी दवाइयाँ पिला ली हैं, बस इन जनाबों को सलाना है। देखें ये जनाब बैठे हुए, मेरा मोबाइल दो मोबाइल पास रख के ये जनाब बैठे हुए, एक अपना वाला एक मेरा वाला। और मुझे आई हुई है नींद, पर इनको कहीं से भी नींद नहीं आई है। बस अभी सोने लगी हूँ, वीडियो एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। तो जो आज किया आपके साथ शेयर किया, मेरी प्यारी दोस्त हैं, अजीज़ हैं, जिन्होंने पैसे भेजे थे, तो मैंने कहा पैसे लग जाने तो हीटर ले लेती हूँ, फिर हीटर ले लिया, कुछ सौदा ले लिया, तो अल्लाह उनको भी अजर दे है, बहुत ज़्यादा दे। और बस इसी बात के साथ आपसे भी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस बहन का चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।